नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल टॉक्स विद टेक्नोक्रेट प्रदीप जी में। आज का विषय इंटरनेट, इसका ओनर कौन है। अगर आप घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, आप चाहे मोबाइल में देख रहा हो या कंप्यूटर में। मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये कहीं यूट्यूब के सर्वर में स्टोर हो जाएगा, जो यूट्यूब सर्वर या सिंगापुर में या इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, या नहीं तो दूर के कैलिफोर्निया में भी हो सकता है। जो कैलिफोर्निया में रहने वाला सर्वर से आपके घर तक ये वीडियो को कौन ला रहा है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनियां हैं, इसमें तीन तरह के होते हैं, एक टेयर वन कंपनी, या टेयर टू कंपनी, या टेयर थ्री कंपनी। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है ये पूरे के पूरा सैटेलाइट के थ्रू होता है। ये बात सच नहीं है। इंटरनेट में 99% या उससे ज्यादा डेटा कम्युनिकेशन जो होता है ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही होता है। जो 1% या उससे भी बहुत कम डेटा कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स ऑल ओवर द ग्लोब किसने बिछाए, ये टायर वन कंपनी से। ये टायर वन कंपनी जो है एक देश से दूसरा देश, नहीं तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट कनेक्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से। फॉर एग्जाम्पल AT&T, वेराइजन, नहीं तो NTT डोकोमो, या इंडियन कंपनी हो सकते हैं जैसे कि VSNL, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, नहीं तो टाटा टेली सर्विस हो सकती है। इन लोगों ने क्या किया है, एक देश से दूसरा देश या एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है, वो भी समंदर के नीचे से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तीन मेजर रिसेप्शन सेंटर से, वो है एक मुंबई में और दूसरा है कोचिन में और तीसरा है टुटिकॉरिन तमिलनाडु में। जो मुंबई से जो केबल्स निकलता है वो जाके पहुंचता है कि साउथ अफ्रीका। सो मुंबई से साउथ अफ्रीका जो अरेबियन समंदर है उसके नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल जाके साउथ अफ्रीका पहुंचता है, साउथ अफ्रीका से यूरोप या नहीं तो यूएस तक और भी केबल्स है। ये टेयर वन कंपनी ये सब केबल जो समंदर के अंदर बिछाई हुए है इसका मेंटेनेंस भी करती है। और टायर टू कंपनी वो होता है जो मुंबई में जो इंटरनेट डेटा आके पहुंचता है उसको ऑल ओवर इंडिया पहुंचाने वाला कंपनियां, जो ऑल ओवर इंडिया मेनलैंड इंडिया में इन लोगों के केबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल BSNL भी हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, या टाटा टेली सर्विस हो सकता है, नहीं तो इंडियन रेलवेज भी हो सकता है। तो ये कंपनियां टीयर टू कंपनियां जो है ये ऑल ओवर इंडिया इंटरनेट डेटा ले जाके हर कोना तक पहुंचा देते हैं। टायर थ्री कंपनी जो है वो ये टायर टू कंपनी से डेटा लेके आपके घर तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत कुछ रीजनल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बैंगलोर में बैठ के, बैंगलोर में बहुत कुछ रीजनल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि एक्ट ब्रॉडबैंड, नहीं तो हैथवे, नहीं तो बैंगलोर का लोकल सर्विस प्रोवाइडर है एक BBNL, वो बैंगलोर ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। इनका पहुंच सिर्फ बैंगलोर के अंदर ही है, नहीं तो आपके एरिया में भी ऐसा बहुत कुछ कंपनियां हो सकती है। जो ये टायर थ्री कंपनी जो है वो टायर टू कंपनी से इंटरनेट डेटा लेके आप तक पहुंचा लेते हैं। आप जो पैसा पे करते हैं वो टायर थ्री कंपनी को पैसा पे करते हैं, तो आपसे जो पैसा वो ले लेगा वो जाके ये टायर थ्री कंपनी जो है वो टायर टू कंपनी का सर्विस जो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ऑब्वियसली वो टायर टू कंपनी को कुछ पे करना ही पड़ेगा। तो ये टायर टू कंपनी जो है वो आपका डेटा पूरा इंडिया में ले जाके टायर वन कंपनी तक पहुंचाएगा, ये टायर वन कंपनी जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ये जो टायर वन कंपनियां हैं जैसे कि हमारा इंडिया में जो है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, टाटा टेली सर्विस, नहीं तो रिलायंस नेटवर्क, ये जो कंपनियां हैं इसका पहुंच अमेरिका तक तो नहीं है। जो अमेरिका में जो AT&T, वेरिजन जैसा कंपनी है उनका पहुंच इंडिया तक नहीं है। ये टायर वन कंपनियों के बीच में भी कुछ अग्रीमेंट होता है जैसे कि जो डेटा मैं इंडियन रीजन से दे रहा हूँ वो वहां पे हैंड ओवर हो जाएगा कुछ कंपनी जो US तक ले जा सकता है। तो US से जो डेटा आ रहा है उसको कुछ इंडियन कंपनी यहाँ पे इंडियन रीजन में ले जाएगा। ऐसा टायर वन कंपनी के बीच में कुछ अग्रीमेंट्स है जो वो डेटा हैंड ओवर कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का ग्लोबल मैप दिखा रहा हूँ।
दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।